ब्लू वर्ल्ड सिटी अपने मेंबर्स के लिए जून के महीने में बहुत सारी खुशखबरियां लेके आया। बैलेटिंग हुई और उसके साथ साथ एक नया नोटिफिकेशन आया जिसमें कैंसल फाइल्स और जिनकी प्राइसेस रिवाइज हो गई थी उन लोगों को एक आखिरी चांस दिया गया है पुराने रेट के ऊपर वापस आने का। इसकी सारी डिटेल इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आमना अली और आप मुझे देख रहे हैं एम्पायर ज़ोन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। आज हमने आपके साथ शेयर करना है ब्लू वर्ल्ड सिटी का लेटेस्ट नोटिफिकेशन, और ये नोटिफिकेशन सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनकी फाइल्स कैंसिल हो चुकी हैं या जिनकी जो फाइल्स हैं उन पे उन्होंने अपनी फर्दर जो पेमेंट है बुकिंग के बाद कंटिन्यू नहीं रखी, और वो जो है बार बार वार्निंग्स देने के बावजूद भी जब नहीं पे की गई तो वो नए रेट के ऊपर उनको रिवाइज कर दिया गया। अभी इस नोटिफिकेशन में उनके लिए एक अच्छी खबर है जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं या ऑलरेडी हमें देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये जो जितना भी इंफॉर्मेटिव कंटेंट होता है ये बरवक्त आप तक पहुंच जाया करे। शुरू करती हूँ मैं आपके साथ इस नोटिफिकेशन का सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करती हूँ। पहले मैं ओवरऑल आपको बता देती हूँ कि इसमें जैसे कि मैंने पहले कहा कि उस पे ये स्पेशल उन लोगों के लिए है जिनकी फाइल्स कैंसिल हो चुकी हैं या नए प्राइस के ऊपर शिफ्ट हो चुकी हैं। अब उनको सोसाइटी की तरफ से एक लास्ट चांस दिया गया है क्योंकि बहुत सारे लोगों की हमारे पास ये चीज़ आ रही थी बार बार कि हमारी जो है फ़ाइल वो नए रेट पर शिफ्ट हो गई है या हमारे पास ओपन फाइल्स पड़ी हुई हैं, हम उसको टाइमली क्लोज़ नहीं करवा सके, अब हम क्या करें क्योंकि वो नए रेट के ऊपर क्लोज़ हो रही है या नए रेट के ऊपर शिफ्ट हो गई है, तो हमें कुछ ऐसा उसका हल बताया जाए कि वापस जो है हम अपने पुराने रेट के पर शिफ्ट हो सके। उसके लिए अब आपके ऊपर थोड़ी सी पेनल्टी तो है, वो आपको पे करनी है ताकि वो आपका जो है रेस्टोरेशन का सारा अमल प्रोसेस हो सके और या फिर आप जो है उसको अपने उसी रेट के ऊपर अपने नाम के ऊपर रजिस्टर करवा सके। और साथ ही साथ वो लोग जो कि फाइल वो किसी और के नाम पे ट्रांसफ़र करना चाह रहे थे और इसी एक रीज़न की वजह से वो फंसे हुए थे, वो लोग भी इसमें शामिल हैं। तो ये जो नोटिफिकेशन है ये जनरल ब्लॉक और ओवरसीज़ ब्लॉक के मेम्बरान के लिए है क्योंकि उन्हीं के साथ ये सारा जो है मिसअप हुआ है कि उनकी फाइल्स जो हैं या कैंसिल हुई हैं या नए रेट पर गई हैं, तो ये उन लोगों के लिए है। मैं आपको इसका तरीक़ाकार बताने लगी हूँ कि आपने किस तरह से इसको प्रोसेस करवाना है। इसकी जो फीस है, सबसे पहले मैं बताऊं आपको कि जर्नल ब्लॉक के अंदर तीन रेट्स थे जो कि एक 7 लाख वाला, 8 लाख वाला और 9 लाख वाला। उनकी जो है आपके ऊपर जो फीस आ रही है, इसकी जो आपके प्रोसेस फीस देनी है वो डिफरेंट है। मैं आपके साथ शेयर करती हूं जिनकी फाइल की डाउन पेमेंट 70,000 थी जिसका 7 लाख रुपये रजिस्ट्रेशन कॉस्ट थी, अगर वो उसको वापस अपने उसी रेट के ऊपर रिस्टोर करवाना चाह रहे हैं तो उन्होंने पर मरला 60,000 रुपया पे करना है, और ये आपने पे करना है 30 जून से पहले पहले। 30 जून इसकी लास्ट डेट है, आपने इससे पहले पहले इसको प्रोसेस करवाना है और आपकी जो है 60,000 पर मरला इसकी आपकी फ़ीस है। अगर आप इसको उसके बाद करवाते हैं 30 जून के बाद, 15 जुलाई तक इसका जो रेट होगा वो आपका पर मरला फिर 70,000 आ रहा है, और उसके बाद नेक्स्ट 31 जुलाई इसकी फुल एंड फाइनल लास्ट डेट है, तब तक आप इसको प्रोसेस करवा सकते हैं, लेकिन फिर उस पर भी रिवाइज़ हो रही है प्राइस आपकी 80,000 रुपये पर मरला। तो इसी तरह से 7 लाख मैंने जो आपको बता दिया है, इसी को देखते हुए जो बड़े साइजेस हैं वो इसी के पेमेंट प्लान को फॉलो करते हुए ये फीस अपनी पे करेंगे। इसकी सारी डिटेल आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है, ये टेबल आपको शो हो रहा है कि उसके बाद 8 लाख वाली और 9 लाख वाली के ऊपर जो है वो क्या आपने फ़ीस पे करनी है पर मरला की, और साथ ही साथ आपको डेट्स भी उसकी नज़र आ रही हैं कि लास्ट डेट क्या है। इसी तरह जनरल ब्लॉक का जो कमर्शियल था उसका जो आया था रेट 7 लाख वाले पेमेंट प्लान में वो 47 लाख था, उसके हिसाब से उसकी जो पर मरला फीस है वो भी इसमें आपको मेंशन हो रही है। और इसके साथ फिर अगर हम आ जाते हैं ओवरसीज़ ब्लॉक की तरफ तो इसका जो पहला रेट आया था 13,50,000, जिन लोगों के पास ये डाउन पेमेंट वाली फ़ाइल है कैंसिल हो चुकी है रिवाइज हो चुकी है उनकी जो फ़ीस आ रही है पर मरला की 50,000। इसी तरह से 15,40,000 वाला एक पेमेंट प्लान था और ऑनवर्ड उसके बड़े साइजेस जो हैं उसी प्राइस के मुताबिक आपकी आ रही है 35,000 पर मरला का रेट आ रहा है। लास्ट डेट्स आपने ज़रूर देखनी है, कोशिश करें कि इसको 30 जून से पहले पहले अवेल कर लें क्योंकि उसके बाद जो फीसेज हैं वो इंक्रीज़ होती जा रही हैं। अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं कि ये आपने किस तरह से प्रोसेस करवाना है ये मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ये आपने ज़रूर जो है गौर से सुननी है चीज़ें। इसमें आपने रेस्टोरेशन की जो फ़ीस है वो आपने ब्लू वर्ल्ड सिटी का मिज़ान बैंक का जो अकाउंट नंबर है
आपको शो हो रहा है स्क्रीन के ऊपर 01031125 ये अकाउंट नंबर है, इसी के अंदर आपने पेमेंट जमा करवानी है, किसी और अकाउंट के अंदर पेमेंट नहीं। इसकी जो आपको स्लिप मिलेगी वही आपकी मेन चीज़ है, वही आपने अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ लगानी है। सेकंड नंबर पे आपने ये अटैच करनी है, इसकी स्लिप की ओरिजिनल जो कॉपी है आपने वो अटैच करनी है अपनी फाइल की कॉपी के साथ, और ये आपने एप्लीकेशन जो है जो आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर है फाइल का वो आपको मस्ट होना चाहिए, फोटोकॉपी कि आपके पास होनी चाहिए। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाते हैं इन केस ऑफ ट्रांसफ़र। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो लोग किसी और के नाम पे ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं उनके लिए भी है इसमें ऑप्शन, वो जो है अपनी इसको सेलर अपना जो है वो अपनी फाइल उसके साथ यही इसकी फ़ीस। अच्छा मैं एक बात बताती चलूँ कि ये जो आपने ट्रांसफ़र करवानी है किसी और के नाम पे, इसमें आपके पास एक अच्छी चीज़ ये है कि आपकी कोई ट्रांसफ़र फ़ीस नहीं ली जा रही है आपसे। आप इसको जो है वो एज़ इट इज़ जाके आपको एक फॉर्म मिलेगा ब्लू वर्ल्ड सिटी के ऑफिस से, आपने उस फॉर्म के साथ अपनी सारी ये डॉक्यूमेंटेशन लगानी है और आपने इसको वहाँ पर प्रोसेस करवाना है। लेकिन जो ट्रांसफ़र वाले हजरात हैं उन्होंने ब्लू वर्ल्ड सिटी के जो बेसमेंट फ्लोर है वहाँ पे आपने जाना है, वहाँ पे आपका प्रोसेस होगा। कैंसिलेशन वाले और रेस्टोरेशन वाले जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे जाएंगे। अच्छा जी, अब इसके बाद आ जाते हैं APR। अब इसमें दो चीज़ें हैं, ये स्पेशली ओवरसीज़ क्लाइंट्स के लिए है, मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें ओवरसीज़ जो क्लाइंट्स हैं उनके पास जो फाइल्स हैं उसमें वो APR के डिस्काउंट ऑफ़र जिसको हम कहते हैं वो अवेल कर सकते हैं अपने प्लॉट की, जो 50% तक उनकी रजिस्ट्रेशन कॉस्ट है। मैं बताती चलूँ कि जो आपने फ़ीस पे की है प्रोसेस फ़ीस वो इसमें इंक्लूड नहीं है। आपने अपनी जो आपके प्लॉट की रजिस्ट्रेशन कॉस्ट आएगी आपने उसका 50% जो है वो आप डिस्काउंट ऑफ़र के थ्रू करवा सकते हैं। और फिर उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आपने नोट रखना है कि इसके बाद आपकी ये सारे प्रोसेस के बाद आपको एक मिलेगा पेमेंट प्लान, जो कि सिर्फ और सिर्फ 6 माह का पेमेंट प्लान होगा। आपने उस 6 माह के अंदर अंदर अपने इस प्लॉट की टोटल पेमेंट जो है वो क्लियर करनी है। 6 महीने का आपको पेमेंट प्लान मिलेगा, आपने इसमें से एक भी इंस्टॉलमेंट मिस नहीं करनी है। एक भी इंस्टॉलमेंट मिस करने की सूरत में आपका ये प्लॉट जो है वो परमानेंटली कैंसिल हो जाएगा। सो इसमें जो ओवरसीज क्लाइंट है उनके लिए एक और चीज़ है कि अगर आपने इसको डिस्काउंट ऑफर के थ्रू आपने प्रोसेस करवाना है तो वो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जनरल ब्लॉक के जो लोग हैं वो उन्होंने एज इट इज़ अपनी पेमेंट जमा करवानी है क्योंकि उसमें किसी भी तरह की कोई डिस्काउंट ऑफर नहीं है। लेकिन ओवरसीज ब्लॉक में जिनकी फाइल्स हैं उनके पास अभी भी ये ऑप्शन अवेलेबल है कि वो डिस्काउंट ऑफर को अपने प्लॉट की 50% तक रकम जो है वो अदा कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि ये जितने भी केसेस हैं कैंसिलेशन वाले, रेस्टोरेशन वाले और ये ट्रांसफ़र वाले, ये जितने भी प्लॉट्स हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, इनको जनरल ब्लॉक के और ओवरसीज़ ब्लॉक के Phase 2 के अंदर फैसिलिटेट किया जाएगा। और आपके पास एक और चांस भी है कि ये जो 6 महीने में आप अपने प्लॉट की पेमेंट को क्लियर करेंगे आप लोग Phase 2 की फर्स्ट बैलेटिंग के मेंबर्स बन जाएंगे। आप लोगों को फर्स्ट बैलेटिंग के अंदर प्लॉट नंबर जो है वो मिल जाएंगे। तो ये सारी डिटेल थी जो कि मैंने आपको बताई। और इसके हवाले से मज़ीद अगर आप लोगों के पास जो भी आपके केसेस हैं, अगर इसमें आपको कुछ भी चीज़ पेचीदा लगती है, स्क्रीन के ऊपर हमारी सारी डिटेल्स दी जाती हैं, आप हमसे रब्ता करें, हम इंशाल्लाह ताला आपको प्रोसेस भी करवा देंगे और आपको मज़ीद इसके ऊपर जो है हम गाइड भी कर देंगे। तो ये सारी डिटेल्स थी इस सारे नोटिफिकेशन की जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया। और ये नोटिफिकेशन जो है 31 जुलाई तक वैलिड है। आपको मैंने बता दिया है कि कोशिश करें आप इसको 30 जून से पहले पहले अवेल कर लें। तो ये सारी डिटेल्स थी आज की इसी वीडियो में जो हमने आपके साथ शेयर की। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।